करता, बल्कि जेब से निकाली खाली पेपर ये सबूत है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। अजीब बात है भाई। अच्छा, बेचारा करता, बल्कि जेब से निकाली खाली पेपर ये सबूत है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। अजीब बात है भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने मरियम नवाज की हालत देखी, आपने देखा कि मरियम नवाज किस तरह बोल रही थी। अल्फाज पर काबू था ना अंदाज पर, लहजे पर कंट्रोल था ना अल्फाज की अदायगी पर। साफ जाहिर है कि मरियम नवाज शरीफ पूरी तरह टुन हालत में थी। जरा तसव्वुर कीजिए, ऐसी औरत पाकिस्तान की वजीर आजम बनना चाहती है एक दिन। कहाँ गए वो नाम निहाद सहाफ़ी जो शरीफ ख़ानदान की शराफत के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। वैसे दोस्तों, ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि जो औरत शराब पी सकती है, शादी के चार माह बाद माँ बन सकती है, बग़ैर किसी काम काज के करोड़ों अरबों की मालकन बन सकती है, चूहों का बचा खाना खा सकती है, कैमरे के सामने बाथरूम इस्तेमाल कर सकती है, वो और क्या क्या नहीं कर सकती। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।